आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू my चैनल आई एम here विद अ न्यू टॉपिक सो लेट्स begin. आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड कॉग्नेटिव साइंस एंड सेकेंड है लैंग्वेज एंड थॉट्स टॉपिक का नाम बड़ा है बट टॉपिक बहुत छोटा सा है तो चलिए डिस्कस करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन एंड कॉग्नेटिव साइंस जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कागनेटिव साइंस इंक्लूड्स एज मेनी रिलेटेड डिसिप्लिन एमंग दैम इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज एक्वजिशन इज़ अ कंसर्न विथ हाउ यंग चिल्ड्रन मास्टर दियर फर्स्ट लैंग्वेज एज वेल एज हाउ अडल्ट एंड चिल्ड्रन एक्वायर अ सेकेंड लैंग्वेज तो सेकेंड जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है उसमें कॉग्निटिव साइंस एक बहुत ही एक ही वे है जो इसको स्टडी करने का लैंग्वेज एक्विजिशन को स्टडी करने का एक ही वे है इसमें कुछ साइंटिफिक स्टडी भी हुए थे लैंग्वेज एक्विजिशन के वो जो बर्थ होता है बच्चे का उसी टाइम से ये स्टडी स्टार्ट हो जाती है और बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था लेट नाइनटीन फिफ्टीज़ में और वॉस्की ने कुछ रिव्यू दिए थे जो स्कीनर्स का वर्बल बिहेवियर थ्योरी थी उसके ऊपर जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे वर, स्कीनर्स की वर्बल बिहेवियर थ्योरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे और नॉम चौसकी के बारे में भी डिस्कस करेंगे और एट दैट टाइम एंग्लो अमेरिकन नेचुरल साइंस से और सोशल साइंस और फिलोसफर्स जो थे उन्होंने भी कुछ इस क्वेश्चंस के आंसर को दिया उस टाइम पे उन्होंने बताया कि द जो माइंड है वो सेंसरी मोटर्स के एबिलिटीज़ के थ्रू ही वर्क करता है और कुछ सिंपल लॉ के सिंपल लॉ को लर्न करके हमारे जो बिहेवियर है उसको चेंज करता है जिसमें लैंग्वेज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है प्ले करती है जिसमें कि हम लैंग्वेज को सीखते हैं इट कैन नॉट बी अ मॉड्यूल और ये जो प्रोसेस होता है वो हम किसके थ्रू करते हैं वर्बल बिहेवियर प्लस थिंकिंग के थ्रू ऐसा इन लोगों ने बताया बट जो आगे जाके ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन का जो लॉ दिया गया था वो कॉग्नेटिव साइकोलॉजिस्ट के थ्रू रिजेक्ट कर दिया गया उन्होंने बताया कि ऐसा कोई क्लू नहीं है कि इस बेसिस पे लैंग्वेज को सीखा जा सकता है ये एक एनवायरमेंटल नेचुरल वे है जिससे कि लैंग्वेज को सीखा जाता है इस पर भी अभी तक कंट्रोवर्शियल है ये टॉपिक और स्टडी अभी तक चली रही है अभी कोई रिजल्ट इस पर नहीं मिला है सेकेंड है लैंग्वेज एंड थाट लैंग्वेज एंड थाट में बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी अपनी दी प्याजे ने दिया और वोडर फूडर एक साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने दिया कि किस तरीके से लर्न करते हैं थिंक करते हैं देन लैंग्वेज़ को बोला जाता है और कम्युनिकेट किया जाता है इस बेसिस पे बेंजामिन वोफ नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने 1956 में अपना एक हाइपोथेसिस एक फेमस हाइपोथेसिस है ये उसको बताया था उसमें कैटेगराइज किया था और इनके रिलेशंस को बताया था कि अंडरस्टैंड द वर्ल्ड कम फ्रॉम आवर पर्टिकुलर लैंग्वेज सो दैट स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज कॉन्से कॉन्सैप्चुअलाइज द वर्ल्ड इन डिफरेंट वे जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं वो डिफरेंट वे से वर्ल्ड में डिफरेंट वे से उसको कॉन्सेपच्चुअुअलाइज करते हैं मीन्स बोलते हैं जो भी उनका एनवायरनमेंट होता है उसके थ्रू तो बेसिकली जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो वुड बी लर्न टू थिंक नॉट जस्ट लर्निंग टू टॉक ऐसा कि पिंकर uh, ने बताया था नाइनटीन फोर नाइनटीन नाइन्टी फोर में बट कॉबनेटिव साइकोलॉजिस्ट ने जैसा मैंने बताया कि इसको डिनाई किया है एक्सेप्ट नहीं किया है उन्होंने बोला है कि जो वर्ड्स हैं वो लोगों के सोचने से नहीं आते हैं जस्ट इन वर्ड्स बल्कि ये एक इमेज और एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल प्रपोजिशन है जिसके थ्रू कम्युनिकेश होता है कम्युनिकेट होता है और हम लैंग्वेजेस को बोलते हैं और ऐसा आपने देखा होगा कि ये कहना मुश्किल है ये डिसाइड करना कि बहुत ही इम्पॉसिबल है कि किस तरीके से एक बच्चा बर्थ लेता है जैसे हमने स्टेजेस पढ़ी कोइंग बबलिंग तो वो किस बेसिस से सीखता है उसके लिए तो सब कुछ अननोन होता है क्या एनवायरनमेंट क्या थिंकिंग uh, ये सब कुछ उसके लिए तो अननोन होता है कुछ नहीं जानता है एक बच्चा तो किस बेसिस पे वो चीज़ें सीखता है ये अभी इसका कोई क्लू नहीं है लैंग्वेजेस को किस तरीके से वो लर्न करते हैं और बोलते हैं और किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं इस पर भी अभी स्टडी चल रही है कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट इस पर लगे हुए हैं स्टडी कर रहे हैं तो ये था लैंग्वेज एंड थाट और लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन एंड कॉगनेटिव साइंस आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया कुछ खास नहीं था तो घर पे रहिए सुरक्षित रहिए सीखते रहिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए थैंक्स फॉर वाचिंग